हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे ब्रिक टेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में, जो आरआरबी जो साइको का एग्ज़ाम होगा एएलपी का, उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, 50 क्वेश्चन, जिसके लिए टोटल 5 मिनट टाइम मिलेगा। और मैं यहाँ पर टाइमर दिया है, तो मैं टाइमर 30 सेकेंड के लिए चालू करूँगा, 30 सेकेंड तक चलेगा। उसके लिए आपको 5 क्वेश्चन उसमें करने पड़ेंगे, 30 सेकेंड में आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से टोटल 5 मिनट दिए जाएंगे 50 क्वेश्चंस के लिए। तो मैं जैसे टाइमर चालू करूँगा, इमेज दिखाऊँगा, आपने आंसर लिखते जाइएगा कॉपी में, और बाद में बताना कितना सही है। मैं भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा, हर 30 सेकेंड बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको, कि मतलब क्या आंसर है इसका। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप वहाँ से कर दीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे अब ये हो गया, आपने जो भी किया होगा अब मैं उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या आंसर है इसका। तो देखो फर्स्ट इसमें हाउ मैनी ब्रिक्स आर टच्ड बाय, 5 क्वेश्चन होंगे। पहला, ए ब्रिक्स किससे टच करता है, उसके बाद बी सी डी ई, इस तरीके से। तो ए ब्रिक्स कितनी ब्रिक्स से टच करता है, यहाँ पे अपने को ये बताना है। तो ए कितने से टच कर रहा है, ए एक तो सी से कर रहा है, और ए किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। तो इसका आंसर क्या उतना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ए कितने से कर रहा है, 2 ब्रिक्स से टच कर रहा है। देखो ब्रिक में अपन वही कंसिडर करते हैं जो सरफेस टच करता है, बाकी कॉर्नर और इसमें साइड वगैरह को काउंट नहीं करते, सरफेस को अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A का 2। अब बी कितने से टच कर रहा है ये भी देख लेते हैं। बी देखो, बी ये है, ये किससे टच कर रहा है, ये कर रहा है ए से टच कर रहा है, और इससे भी टच कर रहा है, और किससे टच कर रहा है, बी एक इससे 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 और इससे। तो टोटल कितनी ब्रिक्स से टच कर रहा है, 6 से टच कर रहा है। तो बी वाले का 6 हो जाएगा, बी ब्रिक्स 6 से ब्रिक से टच कर रहा है। उसके बाद सी ब्रिक की बात करें, ये किससे टच कर रहा है, ये कर रहा है ए से। उसके बाद एक, ये दो, एक दो ही होगा इसका आंसर, एक तो ए से टच कर रहा है और एक इससे टच कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये किससे टच कर रहा है, सी इससे टच कर रहा है और इससे टच कर रहा है, बस इन्हीं से टच कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट है डी, तो डी कितने से टच कर रहा है ये देख लेते हैं। डी एक तो इससे टच कर रहा है, और किससे टच कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये किससे टच कर रहा है, इससे भी टच कर रहा है और इससे भी टच कर रहा है। तो 1 2 3, तो इस डी का कितना हो जाएगा, डी का 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद ई कितने से टच कर रहा है, ई तो ई का देख लेते हैं हम। ई एक इससे टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, तो ये दो तो हो गई, लेकिन ई क्या ये पीछे तक गया है, पीछे तक गया, तो ये इससे भी टच करेगा और इससे भी टच करेगा, क्योंकि ये पीछे तक घुसा हुआ है उसमें। तो ये किससे टच कर, 1 2 और 3 और ये 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई का 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लिए हमने, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, उसके लिए भी यही टाइम दिया जाएगा, तो आप उसको भी करना और लास्ट में बताना कितने आपके आंसर आए। तो ये रहा क्वेश्चन। टाइम होगा है इसके लिए, अब अपन बताते हैं इसको, एक्सप्लेन करते हैं। ए कितने से टच कर रहा है, बी कितने से, सी कितने से, डी किस कितने से, और ई कितने से टच कर रहा है। तो देखो ए कितने से टच कर रहा है, ए ओनली ई से टच कर रहा है, जो दिया ना इस एक ही से टच कर रहा है, तो एक का कितना हो जाएगा, एक आंसर बन हो जाएगा। उसके बाद बी की बात करें, तो बी कितने से टच कर रहा है ये देख लेते हैं। बी कितने से कर रहा है, बी ए है, तो बी कितने से कर रहा है ये देखते हैं हम। बी कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है और इससे टच कर रहा है और इससे टच कर रहा है। तो 1 2
और 3, तो ये 3 से टच कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी का 3। उसके बाद अपन करते हैं सी की बात, तो सी कितने से टच कर रहा है ये देखते हैं हम। तो देखो सी ये दिया है, ये कितने से टच कर रहा है, एक तो इससे टच कर रहा है और एक इससे टच कर रहा है, और सी इससे भी टच कर रहा है और इससे भी टच कर रहा है, तो कितना हो आंसर हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा, सी का आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद डी की बात करते हैं, डी कितने से कर रहा है, डी किधर है, डी ये है, तो डी कर रहा है किससे टच, डी एक तो इससे टच कर रहा है, एक और किससे टच कर रहा है, इससे भी टच कर रहा है और इससे भी टच कर रहा है, क्योंकि डी पीछे तक गया है, तो इससे भी टच करेगा, इससे भी टच करेगा और इससे टच कर रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे ई की बात करेंगे, तो ई कितने से टच कर रहा है ये देख लेते हैं, तो ई कितने से टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, इससे भी टच कर रहा है और किससे टच कर रहा है, ई इससे टच कर रहा है और इससे भी टच कर रहा है, तो ई कितने से टच कर रहा है, ई कर रहा है 4 से, इससे इससे, और ई तो ये पीछे तक गया है ये वाला, तो ये किससे, इससे भी टच कर रहा है क्योंकि ये इधर से ऐसा गया है इधर इधर तक, तो इससे भी टच करेगा, तो 4 से टच करेगा, तो ये होगा इसका आंसर 4 ई का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इमेज, या बताओ इसके टाइम स्टार्ट। तो ये टाइम ओवर हो चुका है, और अपन बात करते हैं किसकी, ए किससे कर रहा है, बी सी डी इस तरीके से। अब देखो इसमें देखते हैं ए कितने से टच कर रहा है, जो ए ब्रेक है, तो ए ये हुआ, ये किससे टच कर रहा है, ए कर रहा है इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है और इससे टच कर रहा है, तो कितने से टच कर रहा है, ए 4 से, तो 4 हो जाएगा ए का। बी कितने से टच कर रहा है ये देख लेंगे अब, तो बी ये दिया, तो ए कर रहा है इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, तो कितने से टच कर रहा है, 3 से कर रहा है, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद डी की, सॉरी सी की बात करते हैं, उसके बाद तो सी ये है, सी कितने से इससे टच कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है और इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा। अब डी की बात कर लेते हैं, डी कितने से कर रहा है, तो डी ये हुआ, ये दिया है, तो 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है और कितने से कर रहा है, ये इधर से इससे कर रहा है, तो डी कितने से कर रहा है और इससे कर रहा है और इससे भी कर रहा है, तो देखो अब डी कितने से कर रहा है, डी कर रहा है इससे 1 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, तो डी 5 से टच कर रहा है। उसके बाद ई की बात कर लेते हैं, ई कितने से टच कर रहा है, ई ये है, तो ई कर रहा है एक तो 1 2 3 और 4, तो ई कर रहा है 4 से टच, तो ये आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, टाइमर ऐसे ही चलता रहेगा, 30 सेकंड दिए जाएंगे बस, तो ये बताओ आप। तो टाइम ओवर हो चुका है, अब हम देखते हैं किससे कौन सा टच कर रहा है, ए कितने से कर रहा है ये देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ए दिया है ये, तो ए कितने से टच कर रहा है ये देख लेते हैं, ए कर रहा है एक इससे 1 2 3 और ये 4, तो 4 से टच कर रहा है ए। उसके बाद बी कितने से टच कर रहा है, बी बी कर रहा है 1 से और 2 से, ये बी है, ये इसके नीचे ये 2 है, तो बी कितने से कर रहा है, बी 2 से कर रहा है, बी ब्रेक। उसके बाद सी की बात कर लेते हैं, सी कितने से कर रहा है, सी ये है, तो सी कर रहा है किससे, एक ये ऊपर एक और ये 2 3 और ये नीचे 4, तो सी 4 से टच कर रहा है। डी कितने से कर रहा है, डी देख लेते हैं, डी ये दिया है, तो डी एक तो इससे कर रहा है, बी से एक इससे, तो 2 ये हो गया, और किससे टच कर रहा है, डी
एक इससे और एक इससे। तो डी कितने से कर रहा है, डी कर रहा है 4 से। अब ई की बात करते हैं, ई कितने से कर रहा है, तो देखो ई ये नीचे से गया है तो इससे भी टच करेगा, 1 2 और ये 3 और 4 और 5। तो ई कितने से कर रहा है, ई कर रहा है 5 से टच। तो ये हो गया इसके आंसर, आप मैच करते रहना सब, बाद में बताना नंबर कितने आए आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बताओ तो ये टाइम ओवर हो चुका, अब बताते हैं हम एक टच किससे कर रहा है, ए कितनी से टच कर रहा है। तो ये देखते हैं ए ये हुआ, ए कितने से कर रहा है, एक एक 2 और ये ऊपर 3 और ये नीचे 4। तो ए कितने से टच कर रहा है, ए कर रहा है 4 से। अब बी की बात करते हैं, बी कितने से कर रहा है, ये हुआ बी, तो बी कितने से कर रहा है, इससे 1 और ये ऊपर वाला 2 और ये हुआ नीचे वाला 3। तो बी कितने से कर रहा है, बी कर रहा है 3 से। अपन बात करेंगे कितने से, किसकी बात करेंगे, सी की बात करेंगे। तो सी ये है, तो सी कितने से कर रहा है टच, ये देख लेते हैं हम। सी देखो एक तो ये नीचे वाला 1 हो गया, ये साइड वाला 2 हो गया और एक ऊपर 3 हो गया और एक ये 4 हो गया। तो सी कितने से टच कर रहा है, सी कर रहा है 4 से। अब डी की बात करते हैं हम, डी ये हुआ, डी कितने से कर रहा है, एक ये ऊपर हो गया 1, ये 2 हो गया और ये नीचे वाला कितना हो गया 3 हो गया। तो डी 3 से टच कर रहा है। अब बात करते हैं ई की बात करते हैं, तो ई कितने से कर रहा है, देखो ई के नीचे कौन कौन सी है, 1 2 3 4। तो ई कितने से टच कर रहा है, ई 4 से टच कर रहा है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम, तो ये टाइम स्टार्ट, तो ये टाइम ओवर हो चुका है। अब अपन देखते हैं कौन किससे टच कर रहा है, कितनी से। तो देखो ए कितने से टच कर रहा है, अब अपन देखेंगे, 6th वाला है ये, तो ए कितने से टच कर रहा है, ये तो ए कर रहा है कितने से, 1 2 और ये 3। तो ए कर रहा है 3 से टच। अब बी कितने से टच कर रहा है, ये देखते हैं, बी किधर है, बी ये है, तो बी कर रहा है एक इससे टच और एक इससे टच कर रहा है ना, इससे टच नहीं करेगा ये, तो मैंने पहले ही बोला था कॉर्नर और साइड वगैरह नहीं देखेंगे, सरफेस टच करेंगे वो करेगा, तो वो देखेंगे। तो बी कितने से टच कर रहा है, 1 से और 2 से, तो बी 2 से टच कर रहा है। अब सी की बात कर लेते हैं हम, सी कितने से टच कर रहा है, सी ये हो गया, तो सी कितने से टच कर रहा है ये देखते हैं हम, सी कर रहा है 1 से टच, ये हो गया 2 से टच, उसके बाद 3 4 5 6, तो सी कर रहा है 6 से टच, ये दिख रहा है साफ साफ। उसके बाद डी की बात करते हैं हम, डी कितने से कर रहा है, डी ये है, तो डी 1 से 2 से, उसके बाद ये डी उधर तक पीछे तक गया है ना, तो डी एक इससे टच करेगा और एक इससे भी करेगा, तो डी 4 से टच कर रहा है। तो ये हो गया डी का 4। और ई की बात करते हैं, ई ये है, तो ई एक तो इससे टच कर रहा है और एक इससे टच करता, दोनों से 2 से टच कर रहा है बस, तो ई का इसका हो जाएगा 2। अपन 7th क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करो। तो देखो टाइम अप हो गया, अब अपन देखते हैं टच किससे कौन कर रहा है। 7th वाला क्वेश्चन है ये, इसमें ए कितने से टच कर रहा है ये देख लेते हैं। तो ए कितने से टच कर रहा है ये बताओ, तो ए इससे टच कर रहा है 1
इससे दो और ये तीन, तो कितने से कट रहा है ये, तीन से, ए वाले की बात कर रहे हैं। अब ब्रिक टू की बात, बी की बात कर रहे हैं ये वाला, तो ये कितने से टच कर रहा है, अब तो ए कर रहा है कितने से टच, एक इससे, एक दो तीन और एक इससे चार और एक इससे पांच, क्योंकि ये पीछे तक जा रही है ब्रिक, ये ब्रिक पीछे तक जा रही है, ये तो बी ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये पीछे तक जा रही है इधर से, और ये इधर से पीछे तक जा रही है, तो ये टच करेगी आपस में। देखो एक बार बी कितने से टच कर रहा है, ये एक इससे टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, ये तो तीन हो गई, लेकिन ये भी जा रही है पीछे तक, ये भी जा रही है पीछे तक, और ये ब्रेक ये वाली पीछे तक जा रही है, तो ये इनसे तो टच करेगी ना, एज्यूम करके देखना पड़ेगा ये सब, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइव। अब सी की बात कर लेंगे, सी कितने से टच कर रहा है, तो सी ये हुआ, सी कितने से टच कर रहा है, एक दो तीन और चार पाँच, तो सी भी पाँच से टच कर रहा है। उसके बाद डी की देख लेते हैं, डी डी ये हुआ, ये कितने से टच कर रहा है, तो ये देखते हैं हम, तो डी एक से टच, दो से टच, ये दो हो गई, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद ये पाँच, तो डी भी पाँच से टच कर रहा है। अब ई की बात कर लेंगे हम, तो ई कितने से कर रहा है, ई ये हुआ, ई कर रहा है एक दो और ये तीन, तो ये तीन से टच कर रहा था, ये इस तरीके से इसके आंसर होगा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये टाइमर स्टार्ट, तो ये टाइम अप हो चुका है, अब अपन देखते हैं ए कितने टच कर रहा है, तो ए ये है, तो ए कितने से टच कर रहा है, ये कर रहा है, ये अब देखेंगे हम, तो ए एक इससे टच कर रहा है, एक दो, ये बाजू वाला तीन और नीचे ये चार और ये कि ये पाँच, तो ए कर रहा है पाँच से टच। उसके बाद बी की बात करते हैं, बी ये हुआ, ये एक से टच कर रहा है और ये दो से टच कर रहा है और ये भी गई है पीछे तक और ये ब्रेक ऊपर रखी है, तो उससे भी टच करेगा, तो तीन से टच कर रहा है ये, बी बी ब्रेक है वो तीन से टच कर रही है। उसके बाद अपन बात करेंगे सी की, तो सी ये है, तो सी कितने से टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, दो एक तीन और एक चार एक पाँच, तो सी कर रहा है पाँच से टच कर रहा है। अब डी की बात कर लेंगे, डी किधर है, डी ये डी कर रहा है एक से टच, दो से टच, तीन से टच, तो डी डी कितने से, तीन से टच कर रहा है। आप करते हैं ई की बात, तो ई ये हुआ, ये किससे टच कर रहा है, ये कर रहा है एक इससे टच, एक दो तीन और एक है चार, तो ई कर रहा है चार से टच। अब अपन बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में, देखो इस तरीके से आपका स्पीड भी बढ़ जाएगी इस तरीके से, इसलिए मैंने टाइमर लिया है यहाँ पे, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कितना आया। तो ये टाइमर स्टार्ट, तो ये टाइमर हो गया। अब अपन बात करते हैं ए कितने से टच कर रहा है, तो ए ये हुआ, एक एक से कर रहा है, दो से कर रहा है, एक तीन से कर रहा है, तो ए कर रहा है तीन से। बी की बात कर लेते हैं हम, बी किधर है, बी ये बी कर रहा है एक से और एक दो और एक तीन, क्योंकि ये पीछे तक जा रही है, तो इससे भी टच करेगा, इससे भी टच करेगा, ये इससे तो टच कर ही रहा है, तो बी का भी हो जाएगा थ्री। अपन बात करते हैं अब सी की, तो सी कितने से टच कर रहा है, सी ये है, सी कितने से ये कर रहा है, देखो सी एक इससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है, दो तो ये हो गई, लेकिन ये
ये जो ब्रेक है पीछे तक जाएगी तो ये इससे भी टच करेगी, इससे तो टच कर ही रही और इससे भी टच करेगी। देखो सी, एक एक दो तीन और एक है चार, तो सी का हो जाएगा फोर। अपन अब बात करते हैं डी की, तो डी किधर है ये, तो डी कितने से टच कर रहा है, देख डी एक इससे तो कर ही रहा है, ऊपर जी रखी इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, तो तीन ये हो गई। अब एक इससे टच कर रहा है तो कितना चार हो जाएगा, तो डी का भी चार हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं ई की, तो ई ये है, अब एक इससे टच कर रहा है, ये एक तो इससे टच कर रहा है, इससे भी कर रहा है, तो दो ये हो गई, एक ये हो गई तीन, और एक किससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है, तो कितनी हो गई चार, ई का भी चार हो जाएगा। तो इसके ये आंसर होगा, मैच करते रहना आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना कितना स्कोर आपका आया है इसमें से। तो ये टाइमर स्टार्ट, तो टाइम अब हो चुका है, अब अपन बात करते हैं कौन किससे कितना टच कर रहा है, तो ए कितने से टच कर रहा है ये देखते हैं हम। ये हुआ तो ए के नीचे ये एक एक दो और एक तीन, तो ए कितने से टच कर रहा है, ए कर रहा है तीन से टच। अब बी की बात करते हैं, बी ये हुआ तो बी कर रहा है एक, तो इससे टच कर रहा है एक, एक ये हुआ दो, एक हुआ तीन और एक ये हुआ चार, तो बी कितने से टच कर रहा है चार से। सी देख लेते हैं, सी कितने से कर रहा है, सी ये हुआ तो ये कितने से टच कर रहा है, एक इससे कर रहा है एक, ये हुआ दो और एक ये हुआ तीन हुआ। अब ये ब्रेक भी इधर तक जा रही है तो इससे भी टच करेगा, तो एक ये हुआ चार, एक हुआ पाँच, तो सी कर रहा है पाँच से। देखो एक बार और, एक हुआ दो हुआ तीन हुआ, एक ये हुआ चार हुआ, एक ये हुआ पाँच हुआ, तो सी कितने से कर रहा है, सी कर रहा है पाँच से। अब डी की बात कर लेते हैं हम, तो डी कितने से कर रहा है, डी ये हुआ डी कर, तो डी एक इससे कर रहा है एक दो तीन चार और पाँच, तो डी भी पाँच से कर रहा है। अब लास्ट बचा है ई, तो ई ये हुआ तो ई कितने से कर रहा है ये देख लेते हैं। ई एक इससे कर रहा है एक, एक इससे कर रहा है दो, एक इससे कर रहा है तीन, एक इससे कर रहा है चार, तो ई कितने से टच कर रहा है, ई कर रहा है चार से। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 50 क्वेश्चन। इसमें आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना आपके कितने नंबर आए हैं।